Krishna,
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
संत सुना सरे संतो निहाया सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेनत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियो, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनो, अब आने का पूरा लाभ उठा ले। यह प्रसंग भी आपके इन साधना के दिनों में मेरे देवियों सज्जनों खूब काम आएगा। श्रद्धा, गीता जी के अनुसार श्रद्धा, वैदिक धर्म के अनुसार श्रद्धा, हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धा, हमारी भारतीय दर्शन या दार्शनिक ब्रह्म विद्या के अनुसार श्रद्धा। हम लोग जहां तक पहुंच गए, भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए, संकोच होता है कुछ बोलते हुए, पर मैं नहीं समझाऊंगा तो फिर मैं अपने धर्म से गिरूंगा, इसलिए जरूर प्रकाश तो इस विषय पर डालना ही होगा जिस पर डालना बड़ा मुश्किल है। किसी पे अब जो समाज में प्रचलित है और जो महर्षि वेदव्यास जी ने मनोवैज्ञानिक नियम बतलाए गए उन्हीं का सहारा लेकर प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है। मनोविज्ञान तो हमारा ये कहता है, जब तक किसी के साथ बात नहीं करोगे उनके गुणों को नहीं देखोगे उनकी कुछ सहायता नहीं करोगे कुछ सहायता नहीं लोगे और ये क्रम कुछ दिन लगातार जारी नहीं रखोगे तो विश्वास नहीं पैदा हो सकता। बड़े संकोच से बोल रहा हूं पर अब समझाना होगा। विश्वास सदनों यक लक किसी पे नहीं जमता। विश्वास के बीच में स्वार्थ छिपा है। विश्वास उसी के साथ होता है जहां में स्वार्थ पूरी करने की संभावना हो जाए। ये उपयोगी है, भविष्य में मेरे बड़े काम आएंगे तब उनके प्रति विश्वास जम जाए। यह हमारा भारतीय मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का प्रति उत्तर, ये उपयोगी गए मीन्स वेरी वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल और भविष्य में मेरे जीवन में बड़े काम आएंगे। विश्वास की मोर लग गई,
और जो ही विश्वास आपने जमाया उसी समय उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगी। गौर करना, ये आपका अपना तजुर्बा है, पर मैंने अपने भारतीय मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला है ना इस प्रसंग में। विश्वास के बाद प्रेम। कई मेरे बच्चों को आजकल की अधूरी पढ़ी लिखी बेटियों को यह बड़ी गलत फहमी है जो कहती है पहले प्रेम फिर विश्वास। पहले मां फिर बच्चा पैदा, बच्चे से मां पैदा होगी। कानों को हाथ लगा ले बेटी, पहले कारण फिर कार्य, पहले जननी फिर बच्चा, पहले विश्वास की मां से प्रेम का बच्चा पैदा होता है। किसी भाई को आपत्ति हो तो मुझसे पूछ लो, या आप गलत बोलती हैं, आपकी धारणा बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है कि प्रेम से विश्वास होता है ना। बिना विश्वास के प्रेम पैदा करके दिखाओ। ये दैनिक जीवन में ऐसा कभी आपने नहीं होगा, पता नहीं आप बोल कैसे गए, ये आप किस तरह बोल रही थी। बिना विश्वास के प्रेम नहीं। इतना अधिक प्यार होता है पति के साथ पत्नी के साथ, अगर बीच में विश्वास ना निकले कभी तलाक ना हो। संबंध विच्छेद या डायवोर्स की नौबत कब आती है, जब एक दूसरे के बीच को मिलाने वाली कड़ी विश्वास की टूट जाती है। है विश्वास तो दोनों को मिलाने की एक कड़ी है, जिससे इसके बाद मैं बोलूं प्रेम की लड़ी प्रकट हो जाती है। मैं हमारे महापुरुषों ने प्रेम को लड़ी क्यों कहा? लड़ी क्या होती है बेटे का ध्यान देना, मैं इसलिए कहता हूं एकाग्र रहिए, ये बातें अपने अपने हिंदुस्तान के धर्म की हमने नहीं सुनी, अपने वैदिक धर्म की नहीं सुनी। प्रेम के साथ लड़ी लगती है क्यों? दिन प्रतिदिन उसके प्रति विश्वास बढ़ता है तो एक कड़ी और जुड़ गई, कड़ी में कड़ी में कड़ी में कड़ी तो बन गई लड़ी। लिंक इन टू लिंक इन टू लिंक इज इक्वल टू क्या बोलू चेन। लिंक में लिंक मिलाई जाओ तो चेन इसी का नाम है ना। कई कड़ियां बीच में मिला दो तो उसे लड़ी बोलोगे ना। हां इतने तक आप अपने मन में बिठाइए। बहुत मेरे महर्षि वेदव्यास जी ने ये प्रसंग बड़ा गंभीर चला दिया, प्राय आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। विश्वास से प्रेम पैदा होता है और दिन प्रतिदिन आप एक दूसरे के लिए अपने आप को उपयोगी सिद्ध करते हैं, तब वो प्रेम की विश्वास बढ़ता जाता है तो प्रेम में कड़ियां लगती जाती हैं। अगर ये बात शुरू से माता पिता बताएं, हमारे हितैषी बता दें जिनके साथ हमने जीवन काटना है, हम विश्वास को कम न करें। बाबा तू ही बता विश्वास हमारा कब कम होता है? जो विश्वास में चुपके से छुपा हुआ है स्वार्थ, घूंघट पहन के या मुसलमानी की तरह बुर्का पहन के विश्वास में क्या छिपा है? स्वार्थ। उसने पहना बुर्का हुआ है या अंडर लेयर, विश्वास से नजर तो नहीं आता कि स्वार्थ है, पर बिना स्वार्थ के विश्वास पैदा नहीं होता। और एक बार विश्वास किसी पे कीजिए प्रेम प्रकट हो जाएगा, और फिर इसके बाद फिर आपका धर्म बनता है दोनों का, एक दूसरे की उपयोगी बनिए। मेक योर सेल्फ मोर यूजफुल, मोर बेनिफिटेड टू अदर, टू हिम, टू योर बिलवड ऑब्जेक्ट, बिलवड जिससे आप बहुत प्यार करते हैं या प्यार करना शुरू किया है, अपने आप को यूजफुल बनाइए, प्रेम और बढ़ता जाएगा। ये तो एक सामान्य बात हुई, पर हम तो एक पॉइंट पे रुके हुए, प्रभु के प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, श्रद्धा कैसे बढ़े। भाई श्री दबल संकोच था, ये तो पैदा होता है मिलो जुलो एक दूसरे के लिए उपयोगी बनो, तो मित्र मित्र के प्रति
पति पत्नी के प्रति, बहन भाई के प्रति, भाई बहन के प्रति, बहन बहन के प्रति, भाई भाई के प्रति, और जो मां की तरफ से बाप की तरफ से रिश्ते हैं उनके प्रति, तब भी प्रेम बढ़ता है। बिनु देखे न होई प्रीति, बिनु प्रीति न होई। ये रामायण आपकी कह रही है, पर मैंने तो वही कह रहा है जो हमारे भारत का मनोविज्ञान है। बिनु देखे, मैंने बता दिया न होए प्रीति। देखो, एक उपयोगी बनो, विश्वास पैदा करो, प्रेम पैदा हो जाएगा। उस प्रेम को निभाया नहीं जाता। आजकल की पढ़ी लिखी क्या शब्द लगाऊं, छोरियों से, छोरियां प्यार लगा लेती हैं छोरे के साथ, लेकिन आगे उसका तत्व ही नहीं जानती। हाउ टू मेंटेन योर विश्वास एंड लव, अब ये पढ़ाया जाना चाहिए था कॉलेजों में, स्कूलों में, माँ बाप द्वारा, हमारे ब्राह्मणों द्वारा। हाउ टू मेंटेन योर फेथ एंड लव, कितना चोटी का विषय है। हाउ टू मेंटेन, हम अपने विश्वास और प्रेम की रक्षा कैसे करें, कोई नहीं बताता। एक ही जवाब आता है, मैं तो सामाजिक रूप में बता रहा हूं, एक ही जवाब आता है, उसके स्वार्थ को पूरा करते जाओ, उसके स्वार्थ को यथासंभव। ना भाई ना, मत काटे, पूरा करने की चेष्टा करो, जितना आपसे बन पड़े आप पूरा करो उसके 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 स्वार्थ को। ये अब मैं इस लेक्चर में नहीं ले सकता कि आप उसका स्वार्थ कैसे पूछिए, तो आपकी बुद्धि की बात है, आपके तजर्बे की बात है, आपके अपने दैनचर्या के व्यवहार की बात है, आपकी अपनी अच्छी जमीरी वाली जिसे गुड कॉन्शियस की बात है, कि आप उस समय देख लें कि इसका स्वार्थ क्या है, और मैं अगर इसके साथ प्यार बनाए रखना चाहता हूं इसके स्वार्थ को पूरा करूं, अगर मैं इसके प्यार को बनाए रखना चाहता हूं इसके स्वार्थ को पूरा करूं, भले ही मुझे हानि हो जाए, किस रूप में, धन रूप में, किस रूप में, अपने सुख रूप में, किस रूप में, अपने भविष्य को न देखते हुए इसको मैं इसका स्वार्थ पूरा कर दूं, भले भविष्य में मुझे कोई चोट खानी पड़े, भले आर्थिक रूप में मुझे नुकसान हो जाए, पर मैं इसको कर दूं, तब मैं आपको अपने महाराज जी के शब्दों के अनुसार, तजर्बे के अनुसार कहूंगा, क्योंकि मेरा जीवन सामाजिक जीवन नहीं है, पहले भी नहीं था, अब तो न होने के बराबर है, यही मेरा समाज है। लेकिन यह समाज गीता जी को लेकर के है, आपका समाज स्वार्थ को लेके गए, बड़ा अंतर है। हमारा ये समाज परमार्थ को लेके गए, आपको अपने काफी समय स्वार्थ को लेके काटना पड़ा, कितना अंतर, परमार्थ को लेके। और जो ही आप यहां जाओगे, बस जरा गेट के बाहर पैर रखिए, स्वार्थ शुरू हो गया, जैसे मानो स्वार्थ थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि से निकल के बाहर बैठा है, इंतजार कर रहा, जैसे कि आप अपने साइकिल या मोबाइल छोड़ के आए गए हैं। स्वार्थ भी थोड़ी देर के लिए आपकी बुद्धि को छोड़ देता है, क्यों छोड़ता है, क्योंकि इस समय भगवान करे यही ये समय 24 घंटे पर छा जाए, इस समय आप में परमार्थ की अधिकता है, आएगा आएगा आएगा, परमार्थ प्रेडोमिनेट कर, अंग्रेजी बोलते हैं प्रेडोमिनेट, इस समय परमार्थ प्रेडोमिनेट करता है, स्वार्थ की दाल निकलती, स्वार्थ करता है यू प्लीज गेट इन, रलाई गेट आउट, स्वार्थ गेट आउट, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल, वाई, क्योंकि आपका परमार्थ प्रेडोमिनेट कर रहा है। सुन 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 मेरी बेटी मैया, इस वक्त परमार्थ की अधिकता प्रचुरता है, प्रबलता है, क्या शब्द बोलूं, बड़ा सा शब्द है प्रबलता, अधिकता प्रचुरता, आए गए वो प्रेडोमिनेट कर रहा है, इसलिए स्वार्थ आउट, स्वार्थ आप में नहीं टिक सकता। परमात्मा करे जैसे आप महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की चेष्टा करें, इसे आप दैनिक जीवन में ले आए, तो दिन प्रतिदिन में आपको पत्ते की करोड़ों रुपए की बात पर अनमोल बात व्यास जी की बता देता हूं। अगर आप इसको अपनाते चले जाएंगे तो स्वार्थ दिन प्रतिदिन घट जाएगा, उसी
परिमाण में आपका परमार्थ बढ़ जाएगा। परिणाम कुछ और अर्थ रखता है, परिमाण कुछ और है, दोनों में अंतर डालो। परिणाम और परिमाण, मैं परिमाण लगा रहा हूं, आपका परमार्थ बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप लाइफ प्रैक्टिकल बनाएंगे, वरना स्वार्थ नहीं छोड़ेगा। पर मैं तो विषय से बाहर चला गया, आउट ऑफ माई सब्जेक्ट, आउट ऑफ माई जो अपना प्रस्ताव था उससे बाहर निकल गए। भगवान के प्रति विश्वास कैसे बढ़े? हाय, भगवान की, क्योंकि नियम तो ये व्यास जी ने बताया, बिनु देखे बिनु मिले जुले, ना विश्वास होता है ना प्यार होता है। तो भगवान तो हमारा ऐसा यार है, भगवान हमारा ऐसा फ्रेंड है, क्या ना देखा, हां ना मिले, ना शेक हैंड किया, ना उन्होंने कुछ हमें अपने भाव दिए और ना हमने अपने भाव प्रकट किए, तो विश्वास कैसे और प्यार कैसे पैदा हो? बड़ा टेढ़ा प्रश्न है मेरी देवी। बिनु देखे ना होई प्रीति, ये अच्छा यार है हमारा। हाय, आशक कह रहा है मैं उससे मोहब्बत करता हूं मेरे यारों जिसको अभी आंखों से देखा नहीं है। और मोहब्बत कर तो बात काटने वाली, कंट्राडिक्शन, हमें परस्पर कंट्राडिक्शन बोलेंगे, परस्पर विरोधी बात, परस्पर विरोधी। मैं प्यार करता हूं जिसको आंखों से देखा नहीं है, इज इट पॉसिबल? एक बार तो आप पे हलचल मच जाएगी। बस जब आप इस बात पे आएंगे, देखा तो है नहीं, इसलिए श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। ले आया हूं मैं आपको, श्रद्धा की जरूरत यहां पड़ेगी। हमें गीता जी पर अटूट श्रद्धा करनी होगी और यह मानना होगा कि गीता भगवान का श्रीमुख है। वो बड़े कम वक्त है जो ये नहीं मानते, उनके लिए ना भगवान है और ना भगवान का फरमान है। यहां पर हमें श्रद्धा करनी होगी, किन पर? जो गीता के द्वारा अनुभवी बने। मैं पुरानी बातें ना कहूं, 20वीं शताब्दी कहूं, स्वामी विवेकानंद, पंजाब को चार चांद लगाने वाले 20वीं शताब्दी के प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ, इन्होंने इसके आधार पर अपना जीवन अलौकिक एवं दिव्य बना लिया, अलौकिक एवं दिव्य बना लिया। हमें उनके अनुभव पर विश्वास करना होगा, ये हमारे चलता ही विश्वास और श्रद्धा से है। अनुभवियों पर श्रद्धा करनी होगी। मीरा जी के भजन पढ़ के हमें विश्वास करना होगा कि ये मीरा का ठोस अनुभव है। अच्छा, तुलसीदास जी की रामायण पढ़कर हमें पूरा विश्वास करना होगा कि ये अनुभवी के बाद भगवान से दिव्य प्रेरणा लेके प्रकट की गई है। एक साधारण मनुष्य के बाद वश की बात नहीं है कि वो ऐसा लिख सके। साधारण एवं सामान्य पुरुष एक चौपाई तो क्या, आधी चौपाई भी नहीं बना सकता। इतना चोटी का प्रेम, इस जगह आपको विश्वास करना हो। क्योंकि जो जो बात महाराज जी ने लिखी है, ये सैद्धांतिक रूप में 100% वाला 100% बिल्कुल राइट है और हमारे दैनिक जीवन में आता है। ये ढकोसला नहीं, कोई कपोल कल्पना नहीं, बनावटी बात नहीं, ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या होता है, इसके संबंधी क्षेत्र सिद्धि छेद कर दो, सिद्धि छेद पड़ी होगी आपने, सिद्ध जमांत, शब्द सिद्धांत नहीं होता, ये दो शब्दों का समुदाय है। सिद्ध जमा अंत, अंत में सिद्ध जो किया जाए तो संधि छेद होती है, तो सिद्ध जमा अंत आ का आ की मात्रा हो जाएगी। तो सिद्ध जमा अंत को इकट्ठा लिखना हो तो सिद्ध अंत बनेगा, माना शब्द तो सिद्ध अंत है, सिद्ध अंत, अंत में सिद्ध कर लिया गया जो। जरा ज्योमेट्री में चलो, अगर ज्योमेट्री पढ़ी आपने तो जरा ज्योमेट्री में चलिए, मेरे बच्चों ने पढ़ी होगी जल्दी समझ जाएंगे, जिन बेटियों ने पढ़ी या भाइयों ने पढ़ी। चलिए जरा इस रेखा गणित में पहली प्रपोजिशन बोलता हूं, वो पढ़ी तो मैंने 44 में थी, 44 में, पर मुझे याद है भगवान ने कुछ आपका टीचर बनाने के लिए
बुद्धि विशेष दे रखी है। क्या पहले क्या थे? वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट ए बी सी। ये पहली हमारे वहां प्रोपोजिशन बोलते थे, आजकल आप थ्योरम बोलती है। तो ये वाली पहली थ्योरम है। क्या मतलब? तीन पॉइंट अगर दिए जाए और उसके ट्राइंगल बनाई जाए, ट्राइंगल यानी त्रिकोण बनाई जाए, उसमें केवल एक ही क्या परपेंडिकुलर गिरेगा, 90 का एंगल एक गिर सकता है, दो नहीं। इसको सिद्ध करना होता है कि दो परपेंडिकुलर नहीं गिरा सकते आप। लिखिए ऊपर ए, इधर बी, इधर सी, ये बन गई ट्राइंगल, इस बीच में से लाइन लगाइए। अब ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल है, सिद्ध करो। परपेंडिकुलर एक गिर सकता है, दो नहीं। तो उसमें दलीलें दी जाती हैं, मुझे आधी तो याद है, शायद पूरी ना बोल सकूं। तो आखिर में आप लिखते थे हेंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये अब भी याद होगा। अभी अब हिंदी का आ गया, हिंदी की मीडियम बन गई, बहुत अच्छा हुआ। अब आप क्या लिखते हैं दलीलें देने के बाद? आखिर में अंग्रेजी में लिखते हंस दी ट्राइंगल, अब इति सिद्धम। अगर आपने आज आयकर जी बैठी पड़ी है तो आखिर में इति सिद्धम, ऐ प्रश्न करता, जो आपने थ्योरम प्रपोजिशन सॉल्व करने के लिए दी थी, लो मैंने दलीलें दे के इति सिद्धम सिद्ध कर दिखाया। तो हमारे उच्च कोटि के भारतीय मनोवैज्ञानिक ऋषियों ने अपने देह से परे हट के मन में गए, मन के संकल्पों से परे हट के ओ नेक जनता एकाग्र रहना बुद्धि में गए। बुद्धि में एक ही इरादा था, भजस्व माम भजस्व माम। तो मेरा वाई आवाज आ रही थी, मेरा भजन कर, मेरा भजन कर, क्योंकि वो सारे कल्याण कामी थे। जिस तरह हम बेवकूफी से गलतान है, वो इससे परे हट गए थे। उन्हें जान लिया था कि इन तिलों में अड़िया तेल है, इनमें कुछ नहीं। हम कई जन्मों में धक्के खा के ये बात पे आते हैं, इनमें कुछ नहीं के लिए पता नहीं कितने जन्म लगते हैं। हाय, यानी संसार के प्राणी पदार्थों का आपस में मेल मिलाप और ये विषय विकार क्या गए, जैसे तिलों में से तेल निकाल लिया जाए और बाकी रह जाती है खली। सरसों के तिलों में से तेल निकालो तो बाकी जो फोग होगा उसको हम खल बोलते हैं, जो हमारे पशुओं के काम आती है, डंगरों के काम आती है। हां, इतनी सी बात जानने के लिए इसमें कुछ नहीं पड़ा। इसके लिए भगवान ने कहा है जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म क्यों नियम बना? मैं अब क्या बोलू, मैं क्या बताऊं इसके विषय में? ये भगवान ने कैसा नियम बनाया, क्या बोलू? थोड़ी देर के लिए मैं झांकी पेश करना चाहता हूं। भगवान राम ने लोगों के कहने पर इतनी पवित्र, इतनी आदर्श सीता को महलों से निकाल दिया। माता जी को पता लगा, कुशल्या मां को बुलाया अपने बेटे को, क्यों रे, जो मैं सुन रही हूं ठीक है? बोलता क्यों नहीं, बोल। जो तीसरी बार फिर कहा, बोलो। हां मां ठीक है, किस आधार पर तूने उसी को निकाला, क्या वो पवित्र? मां ऐसा मैं सुन भी नहीं सकता, जब तुझे पूर्ण प्रेम पता है कि वो सती है, साध्वी है, तपस्विनी है, तेरी सेवा कुछ नहीं जानती, तो क्यों निकाला, क्यों रे बता, क्यों निकाली गई ऐसी पवित्र और पाक साफ सीता, जबकि तूने अग्नि परीक्षा में उसे देख भी लिया था। ये 14 साल वनवास के बाद फिर क्यों निकाला, किस आधार पर तूने निकाला, क्या तेरे पास इसका है कर्तव्य या क्या तेरा अधिकार है, जब मैं जो बैठी हूं? बोल, जवाब ले लो। इस वक्त आप माता के नाते से बोल रही हैं अपने बेटे को, लेकिन आपने अपने बेटे को और प्रजा ने मुझे राजगद्दी दी रखी है, मैं सिंहासन आरूढ़ हूं। तो जितने प्रश्न आपने किए हैं, मां राम के नाते से नहीं निकाला, पति के नाते से नहीं निकाला,
तो राजधर्म को देख के मुझे निकालना पड़ा। राजधर्म मजबूर करता है कि अगर जनता को सुख नहीं किसी से, मैं कष्ट पालूंगा, रातों बिला में रह जाऊंगा, लेकिन मैं जनता के इतराज को दरगुजर नहीं कर सकता, ये हमारा राजधर्म है। मां चुप कर गई। आगे क्या कर, किस मूर्ख ने ये राजधर्म बनाया रे, फिर पता नहीं क्या क्या बोलती गई, मैं क्या बोलू, मैं तो जान के भी नहीं थी। अच्छा, इसी तरह हमारे ऋषियों ने इस संसार को ये जानकर कि कौन मूर्ख इसमें खलतान होगा, जिसका परिणाम क्या है, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, इसका परिणाम दुख, पर यह बात जानी जाएगी कई जन्मों के बाद। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर देवियों, क्या विश्वास और श्रद्धा अपने प्रभु के प्रति, अपने उनके अद्वितीय एवं अनुपम वाणी के प्रति बनाए हुए हैं, वरना ये बनाए रखना बड़ा मुश्किल है कलयुगी जीवों के लिए, बड़ा मुश्किल। चूंकि कलयुग जीव क्यों, क्योंकि ये गंदी वृत्तियों में ज्यादा मन लगा होता, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, खासकर राग और द्वेष में, इसलिए इधर इंक्लाइंड होना आसान बात नहीं है। तो ऋषियों ने इसी बात को जान लिया था, हट गए पीछे, बुद्धि से ही परे हट गए, वैदस्य माम पर आ गए कि तो मेरा भजन कर। तो भजन कब, कुछ कोई भी कर्म कब होता है, क्या वो पहले कर्म ही कर रहा था, पर अब नए कर्म को पहले कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और सुखकारी समझा जाता। ये पॉइंट पकड़ लो, ये नुक्ता पकड़ लो, जब हम किसी और कर्म जो हम कर रहे हैं, जारी कर्म है, उसकी अपेक्षा नए कर्म को सुखकारी और श्रेष्ठ समझते हैं, देन इट इज पॉसिबल कि हम अपने आप को पहले कर्म से छुड़ाकर नए कर्म में लग जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ऋषियों ने अपने आप को वहां से हटाकर किसमें लग गए, समाधि में, बुद्धि से परे हट गए। तो वहां माने दो दिन बैठे, तीन दिन बैठे, दस दिन बैठे, महीना बैठे, दो साल बैठे, डीप मेडिटेशन में, निर्विकल्प समाधि, जहां कोई विकल्प नहीं होता, कोई ख्याल नहीं आता। उससे फिर भगवान ने उठाया और बॉडी कॉन्शियस में आए, देह अवस्था में वापस आए। तो जो वो अनुभव भगवान से लेके आए, उन्होंने प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे गांव फिलॉसफी को, वो तो एक फिलॉसफी बोलते हैं ना, हमारे यहां फिलॉसफी के लिए शब्द ही यही चुना गया, दार्शनिक विद्या। दार्शनिक तो कोई शब्द नहीं, शब्द क्या है, दार्शनिक तो कोई शब्द होता ही, इसका मूल शब्द क्या है बेटे, दर्शन। जब उन्होंने दीप समाधि में दू बदू, जैसे आप, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, दू बदू अपने भगवान को और भगवान के नियमों को देख लिया, अनुभव कर लिया, वो नीचे आके ब्लैक एंड व्हाइट किया। तो जो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट किया, उसे दार्शनिक विद्या कहते हैं। ये दुनिया के किसी कोने में ऐसी विद्या नहीं जो रियलाइज्ड हो करके प्रभु की दिव्य प्रेरणा, डिवाइन इंस्पायरेशन को लेके प्रकट की गई हो। ये भारत की ब्रह्म विद्या है, इसलिए इसका नाम रखा गया दार्शनिक विद्या। जो बाकी कंट्री की होती है वो सिर्फ इधर उधर कुछ शास्त्र देख लिए, इधर उधर कुछ किताबें देख ली, और कुछ बुद्धि पर विचार मारा, लिख मारे। उनके फिलॉसफर और प्रकार के हैं, हमारे फिलॉसफर अनुभवी हैं, दे आर ऑल रियलाइज्ड। मैं फिलॉसफर से, ऋषियों से कह रहा हूं, आजकल तो धोखाधड़ी चल रही चारों ओर, जितने बार ऋषि महर्षि देव ऋषि राय ब्रह्म ऋषि तक हुए, फुल्ली रियलाइज्ड। उसके बाद जो प्रभु ने प्रेरणा दे के जो अनुभव करवाया वो लिख दिया, शाबाश। उस जो उन्होंने वहां से दर्शन किए और जो अनुभव ज्ञान किया उसको लिखा, उसे बोलती है सिद्धांत। समाधि में जो सिद्ध किया गया, जो नियम सिद्ध हुआ, नीचे आके लिखा, उसे सिद्धांत बोलते। अंत, एक शरीर का अंत होता है जब मर जाए तो, सुनो मैं अंत बताऊं, शरीर में आत्मा निकल गई तो शरीर क्या हो गया, देहांत। शब्द क्या है, देहांत, शब्द तो देहांत है, ये तो हमने इकट्ठा बोल दिया देहांत, क्योंकि संधि सहित बोलती हम, संधि छेद करके तो समझना हो तो जैसे मैं समझा रहा हूं, शब्द तो देह जब अंत है, इकट्ठा बोल लो, आ को आप आ की मात्रा में लिखेंगे देहांत, देहांत हो गया। चलो आगे, मन क्या, मनांत,
मानंद कब होता है? जो इंसान करे ख्वाहिशी, जिसके अंदर से सारी तमन्नाएं ख्वाहिशें इच्छाएं निकल जाए तो मन का अंत हो गया। अब मैं तो भगवान समझाए ना, जो आत्महत्या करते हैं, अपने देश में आत्महत्या बढ़ती जा रही है। आत्महत्या क्यों हुई? अपनी कामनाओं को लगी चोट, कामना पूरी नहीं हुई, वातावरण हमारे उल्ट हो गया, तो ये चोट किसने खाई? मन ने। हां, मन उथल पुथल ले लेता है। तो ये निर्दोष था, बेदोषा, दोष तो मन का गए कि वो कमजोर है, हर बात अपनी अनुकूल देखना चाहता है। मेरी माँ मेरी अनुकूल, मेरे पिता मेरे अनुकूल, मेरी बहन मेरी अनुकूल हो, मेरी भैया मेरे अनुकूल हो, और मेरी पत्नी बिल्कुल मेरे अनुकूल हो, मेरी औलाद मेरे अनुकूल हो, वातावरण मेरे, और माँ दे पुत्रा, तो आया कहाँ बैठा है? अब उसकी अकल ही नहीं काम करती, मैं आया मृत्यु लोक में हूं। और मृत्यु लोक का तकिया कलाम क्या गए? मृत्यु लोक का बाबा क्या मतलब? कलयुग का कोई एक शब्द में शायद नहीं बता सकेंगे आप, इतनी बुद्धि का विकास नहीं है। कलयुग को धोखा कहा गया। धोखा क्या मतलब? दिखाना कुछ और करना कुछ और, इसे धोखा कहती है धोखा। ऋषियों ने कहा यह धोखा तो शब्द कुछ ऐसा वैसा है, नहीं, जो जैसे नजर आए हम कुछ बना लें, इनके साथ व्यवहार करें, चंद में बात बदल जाए, हां तो उंगली उठती रहती है। वो कौन? वो मेरी मां, वो जो मेरे पास नहीं, मेरे से जरा थर्ड पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ, सेकंड पर्सन जो आप, थर्ड जो मुझसे दूर है, अंग्रेजी में याद होगा आपको, है उत्तम पुरुष, अपनी भाषा बोलेंगे मध्यम पुरुष, और वो गया कनिष्ठ जो मेरे से दूर है, हाँ उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जरा दूर होते हैं, उंगली उठती है उनके लिए, और अगर नजदीक खड़े हैं तो आप, मैं ये थोड़ा करा, वो तो तब जब उनके लिए मैं प्रयोग करूं, अगर नजदीक ली गए तो आप क्या कहना चाहती हैं, और अगर उसकी बाई के लिए करूं तो कहूंगा तू मुझे क्या कहेगी, तू दूर आए 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 आए, तो उंगली उठती है उनके लिए, वो अच्छे हैं अपना बना ले। लेकिन चंद दिनों के बाद बदल जाती हैं, शारीरिक में, मानसिक में, बौद्धिक में, व्यवहारिक में। इसलिए ऋषियों को भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम इसे धोखा ना कहो, इसे लगा दो क्या? माया, माया। हाय रब्बा, ओए ऋषि, ओए मां का बदलता मत, या मैंने वो जिसकी तो उंगली उठाता रहता है, जिस रूप में नजर आ रही है इस रूप में नहीं है, मां जमा या। इसी को लॉन्ग फेलो ने एक बड़ी अच्छी पोएट लिखी है, कल लिख के ले आना आप, कल ले आना बच्चे, कौन सी पोएम? साम ऑफ लाइफ, साम ऑफ लाइफ। उसकी मुझे एक लाइन याद है, बाकी आप नोट कर लेना, उसकी लॉन्ग फेलो की, बिल्कुल माया का तर्जुमा किया, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, एग्जैक्ट तर्जुमा माया का, थिंग्स आर नॉट, ओ मेरे मन जैसे इन प्राणी पदार्थों को देख रहा है असल में वैसी नहीं है, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, माया। उसका एक वर्ड बनाना हो तो माया, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, माया, अर्थात जैसे आप देख रहे हैं वैसे ये है नहीं, इन आंखों से जैसे देखती हैं, मन द्वारा जैसे इनके बारे में आपने धारणा या कन्विक्शन बना ली है, बुद्धि द्वारा जैसे तू निर्णय लेना चाहती इनके बारे में, रोएगी मां दी धीए, वो मेरे गुरु के बेटे, रोएगा तू फिर क्यों? शारीरिक रूप में भी ऐसे नहीं रहेंगे, मानसिक रूप में भी नहीं ऐसे रहेंगे जो हमारे मन ने कन्विक्शन बना लिया, धारणा बना लिया इनके प्रति, बौद्धिक रूप में भी नहीं रहेंगे। कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, इस संसार में कैसे खुशी से जिया जाए, जैसा अनुमान लगाते जाइए, कितनी जरूरत है नर नारी को, जो हैप्पीली ग्लैडली पीसफुली जीना चाहते हैं, कामली एंड क्वाइटली जिंदगी के दिन काटना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग देता हूं, कोई इसके बारे में समझाता तक भी नहीं है, कोई प्रकाश तक नहीं डालता, कमाओ कमाओ शादी करो ये करो, इन्हीं बातों में रह जाती है। इसे बोलती है भौतिकवाद, इसे बोलते हैं मादा प्रस्ती या मेटेरियलिज्म, इसी का बोलबाला है।
बड़ी जरूरत महसूस होती है इस जगह, इसलिए ये माया है। माया मतलब धोखा, इल्यूजन। तो अब इसलिए इससे ऋषि परे हट गए और अंदर जाके सिद्ध किया भगवान से, वो सिद्धांत बन गया। और वर्षों गुजर गए, शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, सेंचुरी पे सेंचुरी आके चली जाएगी, सिद्धांतों में कोई तब्दीली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध किए गए हैं शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। इन तीनों से परे कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पर। मैं चाहता हूं बड़ी जल्दी मेरे प्रभु मुझे प्रेरणा दें, मैं अपने भारतीय हिंदू आरती पर कुछ वैज्ञानिक रूप से समझाऊं, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से इस पर प्रकाश डालूं। तुम वो एक अगोचर, भगवान के लिए कितना प्यारा शब्द लगाया गया, ओ माई ब्लेसर लॉर्ड कृष्णा यू आर बियॉन्ड एवरीथिंग। जब बियॉन्ड एवरीथिंग, तो हर इंसान को समाधि में जाना होगा। तो हमारी बॉडी से बॉडी पर धोखा है, जैसी है वैसी नहीं। अगर मन में जाते हैं विचारों में तो आज है कल परिवर्तन हो जाएगा, इरादे में जाती है तो परिवर्तन हो सकता है, इन तीनों से परे जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि हम टाइम स्पेस काल देश काल पात्र से परे हट जाते हैं तो परे तो फिर रब की जात है या रब द ज्ञान है, दो बातें मिल जाएंगी। परमात्मा जो कि हमेशा सत्य रहती है और उनका ज्ञान, तो वहां जाके जो अनुभव हुआ और महर्षियों ने हमें बताया वो सिद्धांत है। ये विश्वास हमें गीता जी पर कर लेना होगा। तो ये कौन करेगा जिसने कई जन्मों में अच्छी तरह धक्के खा लिए? अगर ये नियम ना होता, भगवान का ये सिद्धांत ना होता, तो आपके दयालु कृपालु विष्णुदेव जिनको हम श्याम सुंदर दया के समुन्दर कहते हैं, ये कहते हुए उनकी उनकी दया कहां गई? बड़े मैंने ऊटपटांग प्रश्न अपने भगवान से किए, आप बड़े ऊटपटांग प्रश्न ये किए, उनमें से ये एक था, भगवान आपकी दया कहां गई, आपकी कृपा कहां गई? जब आपने ये कह दिया ये राज उससे जो आबिद ना हो, ये राज उससे मत कह जो जाहिर हो। ये बात उनसे नहीं कहनी जो भक्त नहीं है। क्यों? भगत को एक दिन भी बनता है, ये तो पखंड है ना, इतने भगत नजर आते ये भगत हो रहे हैं। ये तो पखंड, ये तो एक पेट पालने के तरीके, गृहस्थी पालने के तरीके, इन्हें साधन बना रखी है। जैसे आपके पति ने कपड़े बेचने का तरीका साधन घर चलाने का, या आपने नौकरियां ले रखी हैं, इन लोगों ने इस प्रकार के पखंड रखे हुए हैं अपने पेट और गृहस्थी पालने के लिए। वरना तो ये बड़ी मुश्किल बात होती है। भगवान कहते हैं उनको नहीं बताना, किनको? जिनमें रजो और तमोगुण बड़े हुए हैं। ऐसे दुर्योधन जैसे को बता के क्या करोगे? अनादर कराओगे? ऐसे कुंभकर्ण के पुत्र को बता के क्या करोगे जो पहले ही है तमोगुणी? अनादर कराना भगवान और भगवान की वाणी का? तो ये फिर किन के लिए है जिनमें सतोगुण प्रिडोमिनेट करता है? सुनो रे सुनो, ये इतना चोटी का सिद्धांत गीता क्या है? सिद्धांत बेटे भगवान की वाणी है, ये सिद्धांत है। इसमें परिवर्तन की थोड़ी भी संभावना नहीं। जिसमें परिवर्तन की संभावना है उसको आप सत्य नहीं कह सकते। सत्य से कोई बदलता नहीं, सत्य में तो कोई तब्दीली नहीं आती है। सत्य इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। सत्य ट्रुथ इज इक्वल टू अनचेंजेबल इम्यूटेबल। उसमें तो जिसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन की संभावना है, दैट कैन नेवर बी कॉल्ड ट्रुथ। ट्रुथ तो हमेशा एक जैसा रहता है, किसी कीमत पर, किसी सूरत में, किसी दशा में, किसी दिशा में नहीं बदल सकता। इसलिए भगवान और भगवान का ज्ञान क्या है? सिद्धांत है। इनको महर्षियों ने सिद्ध किया, भगवान ने दिव्य शक्ति दी और उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। तो उनके जो बोल है तो वो सिद्ध अंत हो गए। मैंने समझा दिया भाई, अपना धर्म पूरा कर रहा हूं। अंत में जाके, अंत मैंने कहा होता है एक देहांत शमशान में ले चलो, अच्छा मनांत इसको शमशान में ले चलो, और मन का अंत हो जाए तो कहां ले चले? इनके स्थान है बच्चे, देहांत हो जाए तो शमशान में ले चलो, और मनांत हो जाए तो कहां ले चलो? भक्ति में ले चलो।
हाय 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 हाय। अगर मन मर रहा है तो उल्टी चलो दे। अब कसूर तो मन का होता है और आत्महत्या किसकी की जाती है इस बिचारे। ये 16 आने बेदोषा है, इसका कोई दोष नहीं। जहर खा लिया, आजकल गोलियां चल पड़ी हैं, आम घर घर में पड़ी हैं, ये अपने गेहूं की बचाने के लिए गोलियां, बाहर एक दो पीसियां अंदर चाले चल हाय खाए। शाबाश शाबाश, जितने साल भर की कनक को बचाना था वो एक घंटा शरीर को नहीं बचा सकी गोलियां। गोलियां अरे अपनी टैंकी में डाल दो जिसमें आपने बोरियां भरिया, 5-6 बोरियां, साल भर खराब नहीं होंगी। वही गोलियां अगर शरीर में डाल दो, टैंकी में डालो तो साल भर रोटी खाओ, और अगर पेट में डाल दो तो एक दिन भी जिंदा ना रहो। ध्यान दीजिए जरा, तो टैंकी अच्छी हुई ना कि साल भर वो गोलियां रक्षा करती है, आपको रोटी देती है, वहां से निकालती जो कीड़े नहीं खाएंगे। तो कसूर किसका था, किसने बुरा मनाया? फीलिंग फैक्टर माइंड, हमारा महसूस करने वाला मन। तो ये कमजोर, ये कोई अच्छी बात है? आपको सर्दी लगे हाँ, और आप क्या करें, अपनी कमीज फाड़ दें, अपनी धोती फाड़ दें, अपना ऊपर जो कपड़ा उसको फाड़ के नंगी हो जाए, इज इट प्रॉपर? नो। सर्दी लगने से क्या आप क्या कर देंगे, फाड़ दोगे इसको, या कमीज फाड़ने के बाद चमड़ी फाड़ोगे छुरी मार करके, जैसे करण ने अपना जरा बख्तर या कवच तोड़ दिया था और कुंडल दे दी थे, क्या हम उस पर करेंगे? नहीं, बल्कि सर्दी का मतलब है शीत लहर। शीत लहर शरीर के साथ छूती है और मन उसे महसूस करता है, हम कपड़े गर्म कर पहनेंगे, बेस्ट तरीका। तो मन घटनाओं को लेके महसूस करता है, ऐसी घटना घट गई जो उसके अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल हो गई, वो घटी उसको महसूस हुई, तो प्रबंध क्या कर रहा था कि मन को ऐसे विचार दूं, ऐसा ज्ञान दूं कि वो महसूस न करे, इसे क्या बनाऊं, मजबूत बनाऊं, जैसे और मैं गर्म कपड़े पहनूं और डट के मैं शीत लहर का मुकाबला करूं। हां, जितनी बर्फानी हवाएं आ रही हैं, बर्फानी बर्फ के साथ छू के जो आ रही हैं, बर्फानी हवाएं उर्दू बोलते हैं, अपनी भाषा में कहेंगे शीत लहर, तो मेरे गर्म कपड़े में मलबूस हो जाऊं, सुसज्जित हो जाऊं तो मुकाबला करूं। इसी तरह हमने तो ज्ञान में मलबूस होना, सुसज्जित होना था, और भगवान ने आपका मस्तक चूम के और मस्तक पर पीठ पे हाथ फेर के कहना था, अगर दिल है मजबूत चिंता, मन मजबूत न करके करना था मनांत, कर दिया देहांत। प्लीज डिस्टिंग्विश, मैं कहां तक किसको समझाऊं? परमात्मा ही उनके अंदर बैठे हुए समझा देना। कसूर तो बेचारे तब मन का है, को सह नहीं सका कोई ऐसी घटना और मार दिया इस बेचारे को, फिर क्या होगा, फिर क्या बनेगा, फिर गंदा, फिर शरीर लेना पड़ेगा बेटे, फिर शरीर लेना पड़ेगा। शाबाश, आप कहेंगे क्यों? वो तो वासनाएं कामनाएं इच्छाएं लेके निकला है, उसके फिर लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। स्वामी जी ने बड़ा हैरान किया जापान वालों को और अमेरिका वालों को, यूं कहते हुए कि आपके जो सुसाइड होते हैं, सुसाइडल केसेस, ये इसी तरह के स्कूल से कुछ एक सवाल मिले बच्चे को निकालने के लिए, 5 सवाल मिले घर के काम के लिए, होम टास्क में 5 सवाल मिले, तो उसने 4 तो निकाल लिए, कॉपी पर ठीक कर दिया, एक सवाल स्लेट पर बार बार निकालता है लेकिन पीछे जवाब नहीं मिलता, जवाब मिले तो फिर हम नकल करते थे कॉपी पर, वो जवाब मिलते ही नहीं, फिर निकाला, घंटा हो गया वो जवाब नहीं मिलता, जवाब हिसाब में जवाब कुछ और है, ये जो मां का पुत्र निकालता है ये जवाब कुछ और है। अकेले में तंग आ गया, एक बार में और निकालता, निकाला नहीं निकला, उठाई स्लेट, क्रॉस में दीवार के साथ मार के स्लेट के 8 टुकड़े बना दिए स्लेट। हाँ, ब्रोकन इंटू सो मेनी पीसेस। हाँ, बात खत्म हो गई। सवेरे स्कूल गए, मास्टर जी बड़े अच्छे थे, एक एक बच्चे से पर कॉपी को डिस्कस करते थे, सवाल निकाल लिए, जी सर, यस सर हो रही है, इस सियानी मां दे कमले पुत्र दी वारी आई, सियानी मां दा कमला पुत्र होना तो नहीं चाहिए, पर ये मां ने जम धरिया, अब क्या करे,
पूछा मास्टर जी ने रूटीन के अनुसार, सवाल निकाले, चार, पांचवा बहुत निकालने की चेष्टा की, मेरे पास क्या प्रमाण है तूने बड़ी चेष्टा की, कहां है? मैंने स्लेट पे, जैसे आप कहते थे भी रफ, पहले स्लेट पे काम किया करो। हाँ, कहां है स्लेट? मुझे क्रोध आ गया, फिर मैंने उसके टुकड़े कर मारे। कैसे? दीवार के साथ जोर का क्रोध में मार दिया तो स्लेट के टुकड़े हो गए। पर मां दे पुत्रा, वो सवाल कहां है? स्लेट पर था, तो स्लेट कहां है? क्रोध में पटक दी, उसके टुकड़े हो गए। तो सवाल, और सवाल तो सुन, कमली मां दे पुत्र, सियाणी मां दे कमले पुत्र, सवाल तो अभी रह गया। जो मैंने होम टास्क दिया था वो सवाल भी मार, या तो तेरी स्लेट आए, तेरी स्लेट तोड़ने से या तो सवाल भी टूट जाता, शाम में से निकल जाता। सवाल तो जू का त्यू, स्लेट भी जाने क्या दोष के टुकड़े कर दिए। बच्चों अब दो मारे थप्पड़, निकाल जरा ब्लैक बोर्ड पर, मैं देखू कहां गलती होती है। स्वामी जी कहते हो, नालायक इंसान हो, नालायक नारी, इस शरीर रूपी स्लेट का क्या दोष है? समस्या जू की तू टुकड़े कर देते इस बिचारे। आपको खून के आंसू बहाने होंगे इनकी दुर्दशा देखकर, और आपकी नारी तो बहुत जल्दी मरती जा रही है। आए दिन नर थोड़े मरती हैं, नारियां बहुत जल्दी। इस स्लेट ने क्या बिगाड़ा है? इस स्लेट तो आपकी नौकरानी है, आपकी मेड सर्वेंट है, या तो चाहो इससे करवा लो। आपने कहा मैंने कुंवारी रहना है, इसने कभी कहा ना मैं तो शादी करके रहूंगी। आपने कहा मैंने शादी करनी है, कहा चल मैं भी बेताब हो रही है। आपने कहा मैंने फैशन करनी है, इसने कहा जरूर। आपने कहा मैंने तो सत्संग में जाना है, काया ने कहा कि नहीं। आपने कहा मैंने अब साधारण बन के रहना है, काया ने कहा जरूर। दोष तेरा ही था, मैं तो हाजिर हूं। जिस तरह आपने इस काया को कहा, काया ने माना, तो अड़ी कौन करता है? अंदर वाला कसूर सवाल का है, तोड़ी स्लेट जा रही है। कसूर समस्याओं का है, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ऐसी समस्याएं खड़ी जाती है, जटिल समस्या है, उसका हल करने की बजाय, उसका दूसरा साधन ढूंढने की बजाय आत्महत्या कर दीजिए। करनी क्या थी? मन हत्या। परमात्मा कसम, अगर मेरे से कोई पूछा जाए या आप क्या करती हैं, गीता के उपदेश द्वारा हम मन हत्या कर रहे हैं, मेरे पास और कोई जवाब नहीं। भगवान का ज्ञान क्या करता है? मन हत्या कर देता है। जिस मन में वासनाएं, कामनाएं, काम, लोभ, अहंकार, निंदा, राग, द्वेष, बेचैनी, बेकरारी, उसको खत्म किया जा रहा, उसको मिटाया जा रहा। इसके बाद स्वामी जी ने कहा, अब इंसान को इंसान कहना पाप है, अब इंसान को देवता कहना पाप। जिसकी मनांत हो गया, हा वो भगवान है। तब पता नहीं कितनी हॉल में खड़े हो गए थे, आप तो अलग अलग खड़े होते, बड़ी सी सभ्यता, वरना यार ये इकट्ठी बैठी होती है शेक हैंड करके, वे कहीं थोड़ी देर भी अलग ना हो जाए तो खड़ी होगी, कई जोड़े खड़े हो गए, कई पेयर नहीं। वी डोंट बिलीव सर, हाल खपमती, आप हमें एक बार फिर बताइए कि ये कैसे इंसान हो गया। सुनिए, अब सुनिए ध्यान से, बहुत बड़ी चीज में से थोड़ी सी चीज निकाली जाए तो वो चीज बहुत बड़ी चीज का अंश होगा, पार्ट एंड पार्सल होगा, और जो बहुत बड़ी चीज के गुण है वो उसके अंश के भी गुण होंगे। सुनिए जरा, भक्ति बुद्धि भगवान खोल दे आपके, भगवान दया और करे और आपकी बुद्धि की खिड़कियां रोशन दान दोनों खुल जाए। मन पक्के दूध में से एक पाइया दूध ले लो, मैं पुरानी बोली बोलूंगा, पाइया, आज आपने कुछ और शब्द बना दिए, किलो तुमार ये इत्यादि कुछ बोलते रहो, क्योंकि मेरा संपर्क नहीं, मेरा तलक नहीं बाजार से या खरीदने खुद, मेरे वही शब्द बोलूंगा पाप। एक पाइया हमने दूध निकाल दिया, हाँ तो एक पाइया मन पक्के दूध का स्वभाव बता दूंगा कि एक मन क्या है, एक पाइया ने बता दिया, क्योंकि वो उसी दूध में से लिया गया। तो जिससे संसार के प्राणी बने हैं, ये उसका स्वभाव लेके आए हैं। कितनी शानदार बात, ये भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, पार्ट एंड पार्सल। जैसे आपकी बेटी साथ ले आई है ना, तेरे पार्ट एंड पार्सल है। आप अपने बेटा ले आती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूर। आप अपना बच्चा बिठाई बैठे साथ ही, ये क्या है? आपका पार्ट एंड पार्सल, ये आपका अंश है।
अपनी भाषा में कहेंगे अंश। तो ये संसार के पानी पदार्थ क्या है? भगवान के अंश है। कैसे अंश जो भगवान से अलग नहीं हो सकते, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल। ये आपका हिंदू धर्म बता रहा आपको, अभिन्न अंश। साथ ये एडजेक्टिव लगाओ, अभिन्न, नहीं अलग हो सकते। क्यों? भगवान सर्वव्यापी है। या तो भगवान लोकल हो, उसी हम अलग होके आए हैं। भगवान तो है ओमनी प्रेजेंट, उन्होंने ओमनी प्रेजेंट अपना स्वभाव बनाया, उसमें से ये सारे बाहर निकाल दिए, तो बाहर हम क्या भगवान से अलग हो गए? नहीं, उसी के अंदर। जैसे बहुत बड़े बड़ी नदी और उसमें उठे हुए बुलबुले, बहुत प्रतिष्ठान, बहुत बड़ा जलाशय तालाब और उसमें उठे हुए बुलबुले, ये सारे वही है। सर्वव्यापी भगवान में हम क्या हुए? बुलबुले की तरह। दैट्स लाइक बुलबुला वाटर, हाँ उन्हीं के साथ ही है। या तो भगवान हमारे से अलग और हम अलग, तब तो बात कुछ और है। अगर भगवान को अलग मानते हो तो भगवान मर गया होगा, भगवान का तेरवा चौथा हो गया होगा। क्यों? जो चीज लोकल होती है मस्ट बी पेरिश्ड, जो नॉन लोकल कैन नेवर बी पेरिश्ड, वो मस्ट बी पेरिश्ड। अब भगवान के लिए कहेंगे कैन नेवर बी पेरिश्ड, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का नाश कोई और करे, यूनिवर्सल का नाश कौन करेगा? जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, तो भगवान तो ऑलमाइटी है, इनका नाश कौन करेगा? वो तो हिमसेल्फ यूनिवर्सल और इमॉर्टल है, उनको कोई दूसरा व्यक्ति कौन आए उनका नाश करने के। इसलिए गीता कृष्ण कह गए गीता में, भला किसकी ताकत है, फना कर सके हस्ती यही, उनको भला कौन नाश करे? वो तो अविनाशी है, उनकी से कोई और बड़ा आए तो वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि वो ऑलमाइटी है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। अच्छा, तो फिर इंसान क्या हुआ, मैन क्या हुआ? भगवान महाराज जी ने कहा मैन कुछ भी नहीं। अरे समझो रहो, समझो समझो, मेरे उच्च कोटि के गुरुदेव ने फरमाया मैन तो है ही कोई नहीं, गॉड 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 एवरीवेयर, गॉड 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 गॉड। इसलिए मैंने कहा तो जनता खड़ी हो गई, एवरीवेयर गॉड गॉड गॉड, डॉग इज ऑल्सो गॉड, नो डाउट डॉग इज, एक लेडी सवाल कर रही थी, डॉग इज गॉड, नो डाउट डॉग इज गॉड, एंड दीज आर एलिमेंट्स आर गॉड, नो डाउट। स्वामी जी ने बताने शुरू करिए, अब स्वामी जी अभी बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, थक जाओगे, बैठ के सारे, अब बात आगे चली। तो हर एक गॉड है, हाँ, तो फिर ये कोई गंदा, कोई कमीना, कोई अत्याचारी, कोई लोभी, कोई लालची, कोई ये, कोई चोर, कोई उचक्का, कोई विलासी, तो इसको स्वामी कैसे कहेंगे? अच्छा स्वामी जी ने कहा वेरी गुड, अनुभवी ये कहता जो रब के नजदीक पहुंच गया और उसका ज्ञान लेके आया और गीता को समझा गया, जिनके श्री चरणों का मैं बच्चा हूं। फरमाते थे बड़ा लाभ उठा रहा हूं महाराज जी की व्याख्या का और अनुभव का। अब हर एक तो परमात्मा का रूप है, जब उन्हीं में से बना है तो चाहे छटाक निकलो, चाहे पाया निकालो, मन का स्वभाव लेके आए, मन के दूध का, तो एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। तो फिर ये गंदगी कहां से आ गई? मन से। देखिए जरा, ये पर इंसान कौन है? भगवान महाराज जी ने कहा इंसान कोई भी नहीं। कैसे? अब लिखिए हर एक गॉड है ना, गॉड प्लस माइंड करो। माइंड में क्या है? वासनाएं, कामनाएं, राग द्वेष, लेना देना, झगड़ा, ये मन। ऐसा गंदा मन इंसान के साथ जोड़ दिया गया। आय हाय गुरुदेव, इस समय हम सबकी मदद करना, आप तो भगवान की जात में समाये हुए हैं, सर्वव्यापी हैं। इस समय मैं आप ही का अनुभव का लाभ खुद भी उठा रहा हूं और आपकी जनता को भी दे रहा हूं। गॉड के साथ गंदा मन लगा, प्लस माइंड कर दिया गया, जो वासनाओं से भरा हुआ था। हा, गॉड के साथ जब माइंड लगा, इक्वल टू मैन, 20 मिनट तालियां बजती रही। एडिटर लिखता है कि 20 मिनट वहां पर बंद भी नहीं हुई। लोग उठे, बस करो, पर उनको लिए तो पहली बार बात थी। उस गॉड के साथ बैड माइंड लग के बन गया मैन। गॉड के साथ मैन जोड़ दिया गया ना, और गंदा मन जोड़ दिया गया। अब स्वामी कहती है ईसा आया, मैं आ रहा हूं, बाकी आएंगे और भी बनेंगे संत महात्मा, जो भगवान तक मिल के आएंगे, वो क्या करने आएंगे? इस मन को हटाने आएंगे। कोई कोई अब कभी ना दृष्टांत भूलना, इसी दृष्टांत ने मेरी भमीरी घुमा के रख दी, मुझे कहीं से कहीं उठा के कहीं से कहीं जंगलों में ले लिया। उस माइंड को हटा दीजिए, गॉड प्लस माइंड इक्वल टू मैन। हाँ, अब हमने करना क्या? हम तो मैन है, क्योंकि माइंड साथ है।
अभ्यास करें, जाप करें, भजन करें, जो महापुरुष ने बताया, जो गीता जी ने बताया, इसको अपनाएं, तो क्या होगा, माइंड उड़ जाएगा। माइंड का कि मैंने क्या कहा, मनांत हो जाएगा, मनांत। तो फिर इंसान क्या हो गया, लो गॉड प्लस माइंड, गंदा मन इज इक्वल टू मैन, मैन इज माइनस माइंड इज इक्वल टू, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली, जोर की ताली। हो गया रब्बी रूप इंसान, जब गंदे मन को तोड़ दिया, उधर गॉड के साथ मन में प्लस किया तो मैन, और मैन से माइनस माइंड इज इक्वल टू, किसी को इतराज हो तो खड़े होकर पूछ लो, कितना चोटी का ज्ञान। अब हम करके रहे हैं, मनांत कर रहे हैं, किससे, वो जहर से शरीर को मार देती है, हम भगवान के ज्ञान से मनांत कर रहे हैं। देहांत नहीं पुत्र, ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, देहांत नहीं कर रहे, हम भी मार रहे हैं, लेकिन मनांत कर रहे हैं, वो जहर लेके एक मरती है, हम भगवान का ज्ञान लेकर के मन को हटा रहे हैं। तो मैन में से मन निकल गया इज इक्वल टू, क्या बोलूं, फिर सुनो, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू, बिठा लो हमेशा के लिए, जैसे मैं बड़ी गहराई में ले गया भगवान इन शब्दों के, गॉड प्लस आजकल के ढंग से समझा दिया गया, गॉड में माइंड जोड़ दिया, गंदा वास्तव से भरा, इज इक्वल टू मैन, मैन नीचे लाइन में, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। जाप करना, भजन करना, सत्संग गाना, गीता जी सुनना, प्रातः काल उठ करके अभ्यास देना, ये क्या हो रहा है, मन को, मन का अंत करने के लिए, मनांत के लिए सब कुछ हो रहा है जी, समझ मेरी भोली भाली हो बेटी, इस मन को खत्म करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जो इंसान ये मनांत की दशा क्या होती है, कभी ना भूलना, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक इज इक्वल टू मनांत, मनांत सारी गीता में भगवान ने यहां लिखा जे, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, व्याहाय कामान या सर्वान पमान चरती निस्तिया निर्ममा निरहंकारा सा शांति मधि गच्छति। इसी को अनुवाद में हम पढ़ते हैं, क्या जो इंसान करे खाशे दिल से दूर, अवस्था न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सको उसको हासिल दिल उसका से। आगे रब बोले श्री भगवान वाद, यही गए मकाम वसान, मेरे दीदार से पहले ये अवस्था बन जाती है, क्या बन गया, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू दीदार बारी इज इक्वल टू भगवान के दर्शन। आपके हजारों प्रश्नों का स्वामी जी ने चुटकियां मारते हुए उत्तर दे दिया, चुटकियां मारते हुए, जब तक मन को नहीं मार देंगे बात बननी कोई नहीं, हम वही दे वही जमले कमले बने रहेंगे, वही के वही रहेंगे। उस समय फिर एक प्रश्न हुआ, लेडी मार्गरेट थी या कौन सा नाम था, वो उठ खड़ी हुई, अपने पति को जरा हटके मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं, स्वामी जी ने अनुभवी ने कहा जरूर करो, इस प्रसंग में तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई हूं, हां लेकिन अब मैं जब बैठूं एकांत में और रब को विचार करूं, तो जो रब आपने अनुभव किया माइंड को माइंड, कहता मैंने तो माइनस किया नहीं, बड़ी सी लेडी, फिर लेडी की बात भी सुनाऊंगा, फिर लेडी की बात सुन लीजिए, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो अनुभव किया नहीं, आप तो अनुभव कर चुके हैं। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, फुल्ली रियलाइज, और चेहरा जगमगा उठा, फुल्ली रियलाइज कर लिया, तो आपने तो कर लिया, मैंने तो नहीं किया, हाँ तो जो आपने अनुभव किया है, तो वो जो परमात्मा लेडी था या लेडा, ध्यान देना, ध्यान देना, वो क्या था, वो जो आपने अनुभव किया है वो थी कि था क्या, मिसिज आर मिस्टर, मिसिज ना कहो, क्वारी को आप क्या बोलती हैं, मिस, योर गॉड इज मिस आर मिस्टर, ये था लेडी का प्रश्न, द गॉड विच हैज यू रियलाइज्ड दैट वाज मिस आर मिस्टर, आप सोच नहीं सकते जो जवाब गुरुदेव ने दिया, तो बड़े जोर की ताली मार के कहा, भगवान के रूप ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वो मिस्टर या बुरी जोर की ताड़ियां लगी, वेरी गुड प्रश्न, एप्रिशिएबल अप्लॉडेबल, ये आवाज आई एप्रिशिएबल अप्लॉडेबल, कि जो आपने महसूस किया वो मिस था या मिस्ट्री,
मिस्टर समझ कर, ना वो मिस्टर थे ना वो मिस थे, वो मिस्ट्री है, रहस्य है जिसको बताया नहीं जा सकता। नॉट मिस, नॉट मिस्टर बट मिस्ट्री एम आई एस टी आर वाई, ये एक रहस्य है जिसको अनुभव करके ही आप कुछ समझेंगे। वो मिस नहीं, मिस हो तो मर जाएगा, अगर मिस्टर कहे तो भी उसका नाश जाएगा। ये एक रहस्य है जो अनुभव का विषय है, जब आप अनुभव करेंगे तब आपको अनुभव हो जाएगा कैसे। सो खबर वेरी गुड, गॉड इज नॉट मिस, नॉट मिस्टर बट मिस्ट्री एम वाई एस टी आर वाई। परमात्मा क्या है, नर नहीं नारी नहीं, वो एक रास्त्रिक है जो अनुभव का विषय है, रास्त्रिक है जो अनुभव का विषय है। और अनुभव क्या कहता है कि उसने मन को तोड़ देना होगा। अब इस मन को तोड़ने के लिए शुरू में विश्वास करना, गीता जी पर श्रद्धा करनी होगी। और ये आज क्लियर करने की कोशिश की गई कि हम ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, मानांत कर रहे हैं। मूर्ख दुनिया वालों तुम देहांत करके और दे लेते रहो, हम मनांत करके महाराज के साथ में समा जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।